खुशी सबने मनाई है, विवाह करी अवध में आए, खुशी सबने मनाई है। सुनीति नारी थी पहले, अब दूजी सुरुचि आई है। महाराज उत्तानपाद का विवाह सुरुचि नाम की लड़की से संपन्न हुआ। और एक पहले नियम हुआ करता था कि जब भी किसी राजा का विवाह होता था तो दुल्हन का डोला नगर के बाहर आकर के रुकता था, तो नगर से कुछ लड़कियां आरती का थाल लेकर के जाती थीं और रानी को लेकर के पूरा नगर घुमाती हुई घर में लाती थीं। क्यों? पहले की रानियों को घर से कम निकलने दिया जाता था, इसलिए शादी वाले दिन ही इनको पूरा नगर घुमा दिया जाता था कि आज ही देख लो, आज के बाद कभी देखने को नहीं मिलेगा। अब जैसे ही भैया लेकर के डोला आए और दरवाजे पर रुका, मैया सुनीति को सूचना मिल गई कि हमारी सौतन यानी हमारी बहन आ गई है। तुरंत आरती जलवाई और दो चार लड़कियों को बुलाया, बोली जाओ और हमारी बहन को सम्मान सहित लेकर के आओ। मेरी माताओं, आज जैसे ही वो लड़कियां चली आरती का थाल लेकर के, तो जहां सुरुचि का डोला रखा था तो बाहर खड़ी हो गई और बोली महारानी उतरो बाहर, घर में चलो। अब भैया वो बड़े बाप की बिटिया ऐसे कैसे उतरी आए, तो उसने दो चार बार सुना ही नहीं, सुन के अनसुना कर दिया। तो एकदम से लड़कियों के मुंह से निकल गया कि देखो बरैया कितनी घमंडी है, है? इससे अच्छी तो अपनी पहले वाली रानी है। और जो भैया उसके कान में पड़ी सो भगभगाए के निकली बाहर, कान लगी कारी है ना, है ना, है? जा बता ये कौन सी पहले वाली रानी की बात कर रही है। अब मोड़ी भैया बोल्लबरी, मैं क्यों बताऊं, जा नहीं बताऊंगी जा। बोले ये बता कौन पहले वाली रानी किसकी बात कर रही है। बोली महारानी आपको नहीं मालूम। बोले नहीं मालूम। बोले ये जो आपके महाराज खड़े हैं ना उत्तानपाद, हाँ, इनकी एक शादी और हो चुकी, वो घर में बैठी हैं, तुम दूसरे नंबर की हो। अरे भैया किटकिटी झूठ है, इतनी गुस्सा में क्रोध में। और जा कर के उसने महाराज उत्तानपाद को समझाया, सामने जाकर के खड़ी हो गई, बोली क्यों महाराज, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने हमारी जिंदगी खराब कर दी। जब तुम्हारी शादी हो चुकी थी तो तुमने दूसरा विवाह क्यों किया। और क्या बोली, जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो, बड़ी आफत तुम बीच में क्यों बोले, तुम तो शादी के मामला से बिल्कुल दूर रही हो, खत्म हो मान लो, तुमको तो बोलने ही नहीं चाहिए। हाँ, उस लड़की ने जवाब दिया, क्यों महाराज, जब तुम्हारे एक रानी थी तो हमें क्यों लाए। क्या बोली, जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्रत क्यों लाए हो, वो सुख भोगन को काफी थी, मोए भार झोंक बिकलाए हो। उस लड़की ने जवाब दिया कि महाराज तुम्हें शर्म नहीं आई, जब एक विवाह तुम्हारा हो चुका है तो दूसरी शादी तुमने क्यों करी। उत्तानपाद कान लगे रायता फैल गओ। हाँ, अब आफत ही है। क्या बोली, अब इत
अपना ही एहसान करो, डोले को वापिस करवा दो, तुम इसके संग बिहार करो, हमको बिहार में पहुंचा दो। अरे भैया उत्तान पाद तो एकदम शांत खड़े बोले ही ना, वे बोले ना बाकी जान ही निकली जाए। हाँ बोली ये बताओ जब तुम्हारी शादी हो चुकी तो तुमने दूसरा विवाह क्यों किया? तो उत्तान पाद ने सोचा कि जब हमने अपनी मर्जी से किया ही नहीं तो हम क्यों जवाब दें। एकदम से लड़कियां भागी, बोले भागो भैया जो काली का रूप ले रही है, हाँ जल्दी निकल ले। वो लड़कियां भाग करके पहले वाली रानी के पास में आई जिनका स्वभाव बहुत बढ़िया है। बोली मैया सुनीति, उसको सारा भेद मालूम पड़ गया है कि महाराज की एक शादी हो चुकी है इसलिए वो महलों में आने से मना कर रही है। रानी सुनीति बोली तुम पागल हो गई हो, आरती की थाली हमें लाओ, तुमको लाना नहीं आता। मैया ने आरती की थाली हाथ में ले ली और चल पड़ी। अरे भैया जहां वो गुस्सा में खड़ी थी बांह समेटे, हाँ उसी के सामने मैया जाकर के खड़ी हो गई और आरती की थाली लेकर के उसकी आरती उतारने लगी। लेकिन वो भैया गुब्बारा जैसा मुंह फुलाए ठाड़ी, हाँ बिल्कुल आरती उतारने लगी। अरे धीरे धीरे आरती और सुनीति मैया करी रही, अरे धीरे धीरे आरती सुनीति मैया करी रही जी। ए जी जाके दिल में हम बे जाके दिल में खुशी है अपार, धीरे धीरे आरती सुनीति मैया करी रही जी। मैया सुनीति क्या बोली? अरे चलो हमारे संग में बहना महल में जी, अरे ए जी चल के लूटो हम बे चल के लूटो मौज बाहर, धीरे धीरे आरती सम्मानीय राज बहादुर टिकमापुर से हैं। 21 बस मदराएं आपकी ओर से सादर सम्मान सहित भेंट हैं। शिव गोविंद यादव जी 51 बस मदराएं आप भी भेंट कर रहे हैं, भगवान से आशीर्वाद की कामना। अब देखो भैया इसने जैसे ये बातें कही तो मैया सुनीति आई सम्मान सहित उसकी आरती उतारने लगी। इनको सही है अबे इनको बढ़वाओ आवाज बढ़वाओ। मैया आरती उतारने लगी। एकदम से सुरुचि ने क्या किया दासियों की आंख में आंख डाल करके पूछा क्यों री यही है तुम्हारी पहले वाली? बोले हाँ यही है पहले वाली। और ये भैया जैसी उसने देखा आगे बढ़कर के आरती की थाली में तड़ाक से हाथ मार दिया, आरती की थाली जमीन में जाकर के गिर गई। चार आदमी खड़े खड़े तमाशा देखने लगे। मैया सुनीति ने पैर पकड़ लिए, क्या कर रही हो बहन, तुमको जो भी कहना है घर में चार दीवारी के अंदर कह लेना, यहां मत कहिए हमारे पति खड़े हैं, चार आदमी खड़े तमाशा देख रहे हैं, लोग मौज लेंगे, तुम्हें जो कहना हो घर पे कह के चलना। जब मैया ने पैर पकड़ लिए तो उसने क्या किया पेट में लात मार दी। तो मैया ने रो करके जवाब दिया तू ऐसी चाहे तो 20-25 बार लातें और मार ले, लेकिन छोड़ के ना जा। मेरे पेट में मारी लात बहन जा को दुख कछु मोए नाही रे,
तारी लाड बहन जाको दुख कछु मोए नाही रे। हर एक बेटा के गम में हमने पति की करी सगाई रे। और मेरी बात सुन लो, अगर तू ये सोच करके रह रही है कि मैं तुझे महलों में लेकर के जाऊंगी, तुझे दासी बनाऊंगी, खुद महारानी बन जाऊंगी, ऐसा नहीं है। तुम महारानी बन के रहना, मैं दासी बन जाऊंगी, लेकिन यहां हमारी बेइज्जती ना करो। और सुनो, तू ही रोटी मोए देती रही हो, मैं तेरो लला खिलाऊंगी। अरे सारे घर को काम करूं और तेरे पांव दबाऊंगी। रो करके जवाब दिया है, सुनिए। और ये सम्मानीय निर्मला देवी जी की ओर से सम्मान के तौर 21 पसमुद्राएं भागवत भगवान में और 11 पसमुद्राएं सभी लोगों को भेंट हो रही हैं, आशीर्वाद की कामना। श्रीराधे, जय श्रीराधे। और क्या बोली, अरे सारे घर को काम करे और खाना बना के लाऊंगी। अरे जब तू सोए पलिंगा पे तब तेरे पांव दबाऊंगी। रो करके मैया सुनीति ने जवाब दिया, बहन यहां पर बेइज्जती ना कर। चार आदमी खड़े तमाशा देख रहे हैं, हमारे महाराज मुंह झुकाए खड़े हुए हैं, जो बोलना है महलों में चल के बोल लेना। तू चाहती है कि तू रानी बन के रहे, तू रानी बन के रह लेना, मैं दासी बन के रह लूंगी। केवल दो रोटी देती रहना, मैं तेरे बच्चे को खिलाऊंगी, तेरे पैर दबाऊंगी, सारे घर में झाड़ू लगा के तुझे भोजन बना के लाऊंगी। देखो, पति को खुश रखने के लिए और पति की खुशी के लिए मैया सुनीति ने अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया। एकदम से सुरुचि मुस्कुरा करके बोली, अच्छा बूढ़ी बिल्ली 1000 चूहे खाने के बाद में अब भक्तिन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है? ऐसा नहीं होगा। उसने वो तान पात की ओर इशारा करके कहा, महाराज अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। तो एकदम से सुनीति जान गई कि ये रहने वाली नहीं है। तुरंत पैर पकड़ लिए मैया ने और मैया बोली, अच्छा ये बताओ तुम चाहती क्या हो? तुम जो चाहोगी वही होगा। बोली, मैं यही चाहती हूं, अगर तुझे जाना है तो ये रास्ता पड़ी है, कहीं भी चली जा। अगर रहना है तो जाकर के खेतों पर झोपड़ी बना करके रहे। एक फटा कंबल दूंगी, टूटी चारपाई दूंगी, खाने के लिए बढ़िया भोजन नहीं मिलेगा, जौ की रोटी खानी पड़ेगी। अगर मंजूर है तो जा। और सुन, जौ की रोटी खाने के बाद में भरी दोपहरी में मेरी अटलिया पर बैठ करके कौवे और पक्षियों को भगाना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें मंजूर है तो मैं अंदर जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। मैया ने आंखों में आंसू भर के जवाब दिया, बहन मंजूर है। अगर इतना करने के बाद में हमारे पति के जीवन में खुशियां आती हैं तो अपने पति के लिए मैं ये सब करने को तैयार हूं। भैया इतना सुना तो सुरुचि तो महलों में आराम से चली गई, पर मैया ने घर में जाकर के सारे बढ़िया वाले कपड़े उतार दिए। जो फटे पुराने कपड़े मिले मैया ने पहन लिए और पति के पैरों को छू करके आगे बढ़ गई।
तानपाद ने जवाब दिया कि मैं रात भर तुझे समझाता रहा कि मान जा दूसरी विवाह के लिए, मुझे मजबूर ना कर, तुम नहीं मानी। और क्या बोली है मैया, महाराज मेरी चिंता क्यों कर रहे हो, मेरी बहन आ गई है, जाओ उसके साथ प्रेम से रहो, हमारी किस्मत में जो लिखा था वो हमें झेलना ही पड़ेगा। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा है, ऊपर वाले हो, ऊपर वाले हो, ऊपर वाले महाराज। क्यों किया ऐसा आपने, बड़े अरमान थे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, एक बेटा के चक्कर में दरवाजे दरवाजे ठोकर खानी पड़ रही है। मैं जा रही हूं, मेरी बहन आ गई है, जाइए उसके साथ सम्मान से आप रहिएगा, जा करके जो मुझे मिलना था वो मिल गया। ऊपर वाले हायो पर वाले हो, ऊपर वाले और क्या बोली है दुखिया, दिल में दया के फूल खिले थे, अरमानों के दीप जले थे, बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा है, ऊपर वाले हाय ऊपर वाले। और ये सूर्यांश यादव 21 पसमंदराएं भागवत भगवान ने भेंट हैं आशीर्वाद की कामना। आज मैया सुनीति ने उत्तान पात को समझाया, सारी नगरी पीछे लग पड़ी, महारानी आप हमें छोड़कर क्यों जा रही हैं, आप अगर चली जाएंगी जो सम्मान आप अभी तक हमको देती रहीं, ये जो नई नवेली आई है क्या वो सम्मान दे पाएंगी। जो ये बात सुनी है मैया ने, बहुत समझाया उत्तानपाद को, उत्तानपाद का कलेजा फटने लगा कि मैं सारी रात तुम्हें मनाता रहा, तुम मेरी बात नहीं मानी, अब जाओ। और ये अरविंद 11 पसमुद्राएं श्रद्धा सुमन भेंट हैं आशीर्वाद की कामना। देखिए भैया, मैया आज खेतों पर आ गई, जो मैया कभी देहरी लांग करके घर के बाहर ना निकली हो, आज समय ने ऐसा तमाचा मारा कि मैया आज महलों से निकल करके खेतों में आ गई। एक घास फूस की झोपड़ी बनाने लगी और उसी झोपड़ी में रहने लगी, पर झोपड़ी बनाती जा रही और कुछ गुनगुनाती जा रही है। क्या, अरे समय चाहे कछु करवाई ले, और होनी बड़ी है बलवान, ए समय चाहे कछु करवाई ले, होनी बड़ी है बलवान, ये क्या हुआ। अरे एक दिना मैं तो थी रानी, अरे पल में बदल गई जिंदगानी, अरे समय चाहे कछु करवाई ले, होनी बड़ी है बलवान, Thank you.
आज वो मैया खेतों पर आकर के पत्तों की झोपड़ी बना करके बेचारी रहने लगी। आज मैया खेतों में रहती है माताओं, जिसका सुंदर सा शरीर है, सूर्य भगवान भी निकलते हैं तो शर्माते हैं कि मैया कभी घर से बाहर नहीं निकली, सूखी जौ की रोटी खाती है और लाठी लेकर के भरी दोपहरी में किलकिलाती धूप में जाकर के बैठती है और पक्षियों को भगाती है। जरा अंदाजा लगाइए कौन सुनीति? वही सुनीति जिसके एक उंगली के इशारे पर हजारों दास दासियां नाचा करते थे। और आज बिचारी को कोई एक लोटा पानी पूछने वाला नहीं है। वही मैया सुनीति जिसको खाने के लिए 56 प्रकार के व्यंजन मिला करते थे, और आज सूखी जौ की रोटी खानी पड़ रही है। वही मैया सुनीति जिसको सोने के लिए मखमल के गद्दे मिला करते थे, आज फटा कंबल और टूटी चारपाई मिल रही है। ये हालत बन गई, इसको कहते हैं समय। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखना, किसी व्यक्ति का समय देख करके उसका मजाक मत उड़ाना, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। कब आसमान पर बैठा व्यक्ति जमीन पर गिर जाए और कब जमीन पर बैठा व्यक्ति आसमान में पहुंच जाए। ए शांत बैठो, कोई नहीं जानता। मैया ने जब वहां पर रहना शुरू कर दिया तो गांव के छोटे छोटे लड़का खेतों पर पहुंच जाते थे तो मैया को पत्थर मारते थे और कहते थे कि इसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया, इसके बच्चा पैदा नहीं हुआ और इसे घर से बाहर निकाल दिया गया। ये समाज की बातें हैं। मैया ने मुश्किल से मुश्किल 6 महीना काट पाए। बेचारी भूखी रहती है, रात भर सो नहीं पाती खेतों में, तरह तरह की बीमारियां शरीर में होने लगी चिंता में। 6 महीना काट पाई और जब 6 महीना नहीं कटे तो मैया ने सोच लिया अब हम मरेंगे, अब जिया नहीं जा रहा है। तो मरने के लिए आज वो दुखियारी जंगल की ओर चल पड़ी और कहती हुई जा रही है अपने पति के लिए, महाराज माफ कर देना हमें, मोए याद पिया तेरी, थोड़ा इको बढ़ाओ, मोए याद